हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्क्स या 15 मार्क्स में आपका आ जाए। अब जैसे स्पीड, पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी वो है स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेबिलिटी या वर्सिटैलिटी। तो स्पीड क्या चीज़ है कंप्यूटर के केस में? स्पीड जैसे कि हम बेसिक टर्मोलॉजीज का मतलब हिंदी में समझते हैं गति या फिर रफ्तार। तो अब कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी काम करेगा, आप कोई इसको इंस्ट्रक्शन दोगे डेटा फीड करने की, तो वो आपका जल्दी से जल्दी फीड कर लेगा, जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट दे देगा। आप अगर 2+2 बोलोगे तो तुरंत 4 लिख देगा। तो आप जानते हो उसमें बहुत ऑपरेशंस होते हैं, आपके लिए तो बस 2+2 है, लेकिन कंप्यूटर को बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं और वो भी बहुत जल्दी तेज़ में। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, यानी 10 लाख इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में परफॉर्म कर लेता है। अगर आपने जैसे ये लिखा है 1024 × 1024, आप इसको मैनुअली सॉल्व करके देखना कितना टाइम लग रहा है। जैसे कि आप बेसिक ये जो आपका तरीका था छोटे में जो आप करते थे इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना, इसमें आप करोगे आपका एटलीस्ट 2 मिनट तो लगी गई। लेकिन अगर आप यही चीज़ आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आप आई गेस विद इन सेकेंड्स आपको आंसर मिल जाएगा, और वही चीज़ कंप्यूटर के केस में है। और आपको इतना आसान लगता है कि कंप्यूटर जैसे 1024 आपने लिखा तो कंप्यूटर 1024 को 1024 ही समझता है? नहीं, पहले कंप्यूटर जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो है बाइनरी सिस्टम, 0 और 1 लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर भले ही हम कीबोर्ड पे टाइप करें 1024, तो पहले वो 1024 इस डेसिमल सिस्टम है, ये 1 to 9 ये 0, तो ये जो सिस्टम है डेसिमल सिस्टम है। तो कंप्यूटर पहले इस 1024 को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ये डेसिमल डिजिट को कन्वर्ट करेगा किसमें, बाइनरी सिस्टम में। उसके बाद फिर इस ऑपरेटर यानी मल्टीप्लिकेशन के साइन को देखेगा, फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेगा, और जो रिजल्ट भी वो देगा वो 0 और 1 की फॉर्म में होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। लेकिन जब वो आपको मॉनिटर पे आंसर देगा वो फिर आपको डेसिमल सिस्टम में ही आंसर देगा, जैसे कि 0 to 9। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो कंप्यूटर एक बार में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, बहुत सारे ऑपरेशंस कर रहा है, लेकिन वो आपको पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, और वो भी बहुत स्पीड के साथ करता है। ठीक, तो ये आपका पहला एक इसकी कंप्यूटर की खासियत हुई। दूसरा है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या चीज़ है, एक्यूरेसी मतलब कितना सटीक कोई जवाब दे पा रहा है। आप ये देखो, ये 1024 आपके हिसाब से बड़ा डिजिट होगा, लेकिन अगर ऐसे ये तो 4 डिजिट है एक जगह, अगर आप ऐसे सोचो 10 डिजिट को 10 डिजिट्स के साथ डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो भी कंप्यूटर कर सकता है और बेहतर रिजल्ट देगा, उसमें गलतियाँ कम होंगी। हमारे केस में हम भी कर सकते हैं शायद, लेकिन उसमें एरर आने के चांसेस बहुत है। इनफैक्ट अगर आप यही 2 डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे, हो सकता है 1-2 डिजिट में अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन में गलती हो तो उसके बाद लास्ट रिजल्ट हो सकता है वो गलत हो सकता है, तो एक्यूरेसी आपकी फिर ख़राब हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप खुद देखो 3+3 और 3 × 3, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो 3 × 3, वो तुरंत आपको आंसर देगा 9। लेकिन हमारे केस में हो सकता है अगर हमने उसको थोड़ा सा हम लोग अगर एब्सेंट माइंडेड हुए तो हम उसको 3 × 3 को 3+3 भी देख सकते हैं, उसका आंसर 6 लिख सकते हैं। ऐसा बहुत केसेस में बच्चे स्कूल में अपने एग्जाम्स में भी करते हैं, तो वहाँ हम लोगों की एक्यूरेसी में कमी है, लेकिन कंप्यूटर की एक्यूरेसी अच्छी है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी डिलीजेंस। अब डिलीजेंस क्या चीज़ है, कंप्यूटर थकता नहीं है, कंप्यूटर आपका काफ़ी घंटों तक काम कर सकता है। आप थक सकते हो, आप मुझे लगता है एक लेक्चर आपका 55 मिनट्स का होता है क्लासेस में, उसमें भी आपको कुछ समय बाद नींद आने लगती है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। वो 4-5 घंटे या जितने भी जहाँ आप आराम से काम करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है, मशीन है, इसलिए हम लोग कुछ घंटे के बाद खुद ही उसको आराम देते हैं, तो क्या फ़ायदा वो ख़राब हो जाए। बट अदरवाइज़ कंप्यूटर अपने तरफ से थकता नहीं है, ठीक है, और वो आपको बेहतरीन स्पीड के साथ काम करेगा, एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। शुरुआत में जो उसकी एनर्जी थी, लास्ट तक आपको वही एनर्जी मिलेगी। आपके केस में ये हो सकता है कि आप एक लेवल के बाद शुरू में जितना कॉन्फिडेंस है या जितनी स्ट्रेंथ के साथ एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, लास्ट तक उतनी एनर्जी ना दिखे, लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेबिलिटी। ठीक है,
तो स्टोरेज कैपेबिलिटी के केस में क्या है कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डेटा फीड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल्स में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा फीड करते हैं, उसके बाद क्या है इसमें, अगर हमारी प्राइमरी डेटा जो स्टोर करने के लिए अगर मेमोरी कम पड़ने लगे तो हम एक्सटर्नल डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल के केस में मेमोरी कार्ड है और आपके कंप्यूटर के केस में फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। और अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी वर्सेटैलिटी। कंप्यूटर एक बार में एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। आप देखते हो कि अगर आपने कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो आप देखते हो आप चाहो तो उस पर पेंट भी, MS पेंट भी कर सकते हो या MS एक्सेल भी कर सकते हो, और साथ में आपके सॉन्ग्स भी चल रहे होते हैं, ठीक है। और पता चला आप कोई कोई चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हो तो इंटरनेट से डाउनलोड भी हो रहा है, तो इतने सारे चीज़ें एक बार में आपके कंप्यूटर में चल सकती हैं। तो ये है कंप्यूटर की वर्सेटैलिटी, उसके अंदर बहुत सारे काम करने की एक बार में क्षमता है, ठीक है। हम लोग जो भी करते हैं फोकस होकर एक ही काम करते हैं।